जनपद के शेरपुर बराड़ा गांव में ये तो कई हैंडपंप बनाए गए हैं, परंतु उसमें जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई है, जिसके कारण फूला देवी सहित 100 परिवार ऐसे हैं जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माधुरी और ये मेरा समुदाय। परेशानी पानी का होता है कि उसमें से भर भर के ले जाकर खेते में भी गतन जाता हो, लुगा झूला फिंचाता चाहे खाना पीना बनाता ना उसमें जमा होता फिर लिया खत्म तन जा दिन भर वही पनिए में रह जान जा लैका फैका सर सामान चलाते रहे तो का कैल प्रधान बनबे ना करिए ना तो घर से ना जुटी है ना बनी आ जे बनवल बड़ा प्रधान वो तो पानी में गिरता हमने के नहीं खे प्रधान बनवला कितने लोग का नहीं बना होगा लगभग? अरे ढेर लोग का नहीं खन बना। अगर आप लोग का नाली बन जाए तो ठीक है? हाँ ठीक है, हमने के तब तो वो आदमी हमने के माने जाए की भगवान है। नाली नहीं है, दिक्कत ये है कि जो टंकी जो बनेगा तब तो टंकी में रहेगा। वजह टंकी नहीं है तो इससे क्या दिक्कत हो रही है? पानी कहाँ ले जाकर फेंकते हैं आप लोग? कहाँ ले जाकर फेंकते हैं? खेत में ले जाकर फेंकते हैं। अगल बगल खेत वाला दूसरे का है, दूसरे को बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए ताकि इन गांव वालों की समस्याएं दूर हो सके। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि यहां के वीडियो का नंबर 9454464916 है, जिस पर कॉल कर दबाव डालें ताकि इस गांव वालों की समस्याएं दूर हो सके। मैं माधुरी चौहान, खलीलाबाद जिला संतकबीर नगर, इंडिया अनहट के लिए।